गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? कल का सेशन कैसा लगा था? इंजॉय किए थे? हम लोग फॉर्मूला डेराइव किए थे डिफरेंट इंटीग्रल के लिए। डिफरेंट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ ए सम हम लोग शुरू किए थे। कल उसका फॉर्मूला मैं आपको बताया था और इसी फॉर्मूले पे आज हम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। मजा आएगा, आसान है, भारी नहीं है। आज आप लोग एंजॉय कीजिएगा सेशन को। देख लीजिए, जो मित्र अभी भी ऑनलाइन नहीं आए हैं उनको बोलिए आ जाए। 7:05 हो गया है, 7 बजे ही आप लोगों को मेरे साथ आ जाना है। तो आइए, जो फॉर्मूला मैं डेराइव किया था उसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। या हम लोग इसी को पढ़े थे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ टू प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस वन माइनस एन माइनस वन इंटू एच। और इसमें क्या पढ़े थे? पढ़े थे वेयर एच इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन, और साथ ही साथ पढ़े थे एन टेंस टू इंफिनिटी या एस टेंस टू जीरो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि यदि h लिखिएगा तो s टेंस टू जीरो लिखना है, या फिर यदि आप n लिखिएगा तो n टेंस टू आपको इन्फिनिटी लिखना है। कल आपको डिटेल में, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में। होप कि आपको मजा आया होगा, आप उसका नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। पहले एनसीईआरटी का एग्जांपल हम लोग बनाएंगे, फिर हम लोग कुछ और देखेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 25 आपके एनसीईआरटी का क्या है। एग्जांपल 25 इसमें है फाइन इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज द लिमिट ऑफ ए सम। यही क्वेश्चन था और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, यदि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए कि पूरा एग्जांपल
पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बनेगा। साथ ही साथ आप दूसरा कोई भी बुक निकाल लीजिए, चाहे केसी सिन्हा, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, लालजी प्रसाद, एसबीपीडी, आप कोई भी बुक निकालिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फॉर्मेट एक ही है, फॉर्मूला एक है। हाँ, लास्ट में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है जब समेशन का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो पिछले क्लास में जो समेशन का फॉर्मूला लगेगा मैं उसको लिख भी दिया था, आप लोग उसका नोट्स बना लिया, ठीक। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, ये जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रल निकालना है, समझ गए, इसको आप लोग एफ एक्स ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये ए कहलाता है लोअर लिमिट, बी कहलाता है अपर लिमिट। ए कहलाता है लोअर लिमिट, बी कहलाता है अपर लिमिट। तो ए बराबर कितना है? जीरो। और बी बराबर कितना है? तो बी बराबर है टू, समझे। ए बराबर है जीरो और बी बराबर है टू। तब फिर आप एच का मान निकाल लीजिए। तो एच बराबर देखिए तो क्या है, एच बराबर है बी माइनस ए बाय एन। बी के जगह पे टू, ए के जगह पे जीरो और बाय आपका हो गया एन, समझ गए। ए के जगह पे जीरो, बी के जगह पे टू, तो बी माइनस ए यानी कि टू माइनस जीरो बाय एन। कहने का मतलब है कि टू बाय एन आ गया, यानी कि एच बराबर हो गया टू बाय एन। और यदि आप कोना कोनी गुना कर देते हैं इसको, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो एन एच बराबर आ जाएगा टू, समझ गए। एन एच बराबर क्या हो जाएगा? तो एन एच बराबर हो जाएगा टू। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। यदि यहां तक आप समझ गए तो, यहां तक समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको लिखना है वी नो, हम लोग क्या जानते हैं। यहां पर लिखिएगा वी नो, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इस फॉर्मूला को लिख दीजिए। क्या है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाला या ऊपर वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इच्छा होगा हम एन टेंस टू इन्फिनिटी लिख देंगे, इच्छा होगा तो एस टेंस टू जीरो लिख देंगे, क्योंकि अंदर वाला सारा चीज आपका सेम ही होता है, समझ गए। एन टेंस टू इन्फिनिटी लिख दीजिए या एस टेंस टू जीरो लिख दीजिए, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो मैं नीचे वाला लिख देता हूं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, समझ गए। इस चीज को लिख दिया। अब क्या करना है? लिखिएगा देयरफोर, देयरफोर इंटीग्रेशन ए के जगह पर आप क्या लिखिएगा? ए के जगह पर आपको लिखना है जीरो, ए के जगह पे लिख दीजिए जीरो। बी, बी के जगह पे क्या लिखिएगा? बी के जगह पे लिखिएगा टू, बी के जगह पे लिख दिए टू। एफ एक्स,
तो एफ एक्स के जगह पर यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ एक्स के जगह पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसके बाद एच है एच, तो एच के जगह पर आप एच फिलहाल लिख दीजिए, एच के जगह पर एच लिख दीजिए, एफ ए, एफ ए, ए के जगह पर आपका है जीरो, ए के जगह पर जीरो है, तो यहां पर लग दीजिए एफ जीरो प्लस एफ ए की जगह पर जीरो, समझ गए, ए के जगह पर जीरो, एच के जगह पर एच प्लस एफ ए की जगह पर जीरो, टू एच है तो टू एच लिख दीजिए प्लस डॉट 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 प्लस ए की जगह पर जीरो एन माइनस वन इंटू एच, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ ए के जगह पर हम लोग क्या लिखे, तो ए के जगह पर जीरो लिखे। बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो, यदि अभी तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए आप लोग, है कोई दिक्कत, नहीं है तो ठीक है, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, इसको मिटाते हैं आप। जिसका जरूरत हो गया है उसको मिटा दिए, जिसका यूज बाद में करेंगे उसको लिखे हैं अभी नहीं मिटाए हैं। अब देखिए क्या कीजिए, तो implies integration 0 to 2 x square plus 1 dx बराबर limit s tends to 0, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, तो आप क्या कीजिए एच को लिख दीजिए, समझ गए, एच को लिख दीजिए, एफ जीरो का मतलब एफ जीरो, यानी कि इसमें जो जीरो आपका जुटा हुआ है इस जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, इसीलिए सबसे आप क्या कीजिए, तो सबसे आप जीरो को हटा दीजिए, यानी कि एफ एच हो गया, यहां से जीरो खत्म तो एफ एच, यहां से जीरो खत्म तो एफ टू एच प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां से जीरो खत्म तो आपका एन माइनस वन इंटू एच हो गया, एफ एन माइनस वन इंटू एच। चलिए वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए फटाफट, है कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत है तो आप आगे आइए, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एच एफ जीरो, अब एफ के बगल में जो चीज है, समझ गए, एफ के बगल में जो है, F के बगल में जो है कहां गया, कहां गया, अरे बाबू कौन रखा है जी मेरा ब्लू वाला मार्कर, कौन रखा है फटाफट बोलिए तो, कौन लिया आप लोगों में से ब्लू मार्कर, कौन ले लिया है जी, यहां बताए देने की कहां रखे आप लोग, बताना चाहिए कि सर नीचे है बेंच पर है। अब देखिए एफ के बाजू में जो भी है ये सब का सब एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब क्या करना है,
ठीक है, क्या करना है, तो जहां जहां पर आपको x दिखता है ना, जहां जहां पर x दिखता है तो वहां पर आपको स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, स्क्वायर, क्या कर देना है, स्क्वायर, क्योंकि fx बराबर आपका x स्क्वायर प्लस 1 है ना, fx बराबर कितना है, तो fx बराबर आपका है x स्क्वायर प्लस 1, fx बराबर कितना है, fx बराबर कितना है, fx बराबर है x स्क्वायर प्लस 1, fx बराबर कितना है, तो x स्क्वायर प्लस 1, fx बराबर कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, x के जगह पर 0 है, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, fx बराबर कितना है, तो x स्क्वायर प्लस 1, fx बराबर कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, x के जगह 0 रख दिए तो 0 स्क्वायर प्लस 1, फिर यहां पर x की जगह h है तो h स्क्वायर प्लस 1, समझ गए, x के जगह h है तो h स्क्वायर प्लस 1, x के जगह 2h है तो x के जगह 2h रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, समझ गए, x के जगह 2h है तो यहां पर फॉर्मूला आपका fx है x स्क्वायर प्लस 1, तो 2h का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस बार x के जगह क्या है, तो इस बार x के जगह है n माइनस 1 इंटू h का, बल्कि n माइनस 1 इंटू h, क्या है x के जगह, n माइनस 1 इंटू h, तो x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, समझे, x के जगह पे n माइनस 1 इंटू h लिख दिए, क्या था फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो x के जगह पे n माइनस 1 इंटू h, तो n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, और प्लस आप क्या कर दिए, तो प्लस आप कर दिए 1, चलिए देर इज नो दिक्कत, देर इज नो दिक्कत, इफ देर इज नो दिक्कत तो आप आगे आइए, इसका काम हम लोग कर चुके हैं, जिसका काम कर लिए इसको हम मिटा देंगे, इसका भी काम हो गया है, आपको मेरे साथ लिखते रहना है, आपको मेरे साथ लिखते रहना है, ठीक, अब देखिए क्या हुआ, बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो h, अब देखिए, देखिए आपका क्या है, देखिए क्या है, तो टोटल यहां से लेकर यहां तक आपका n पद होता है, n पद होता है, एक पर विचार कीजिएगा, एक एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, कितना बार आया, अब बोलेगा सर चार बार आया, नहीं हम बोले सिर्फ अभी एक पर विचार कीजिए, एक एक बार, दो बार, तीन बार, अब बोलेगा सर चार बार, हम बोलेंगे चार बार नहीं, क्योंकि बीच में डॉट 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 भी तो है, एन टर्म्स है ना इसके अंदर, यहां से यहां तक कितना टर्म है, एन टर्म, कितना टर्म है, एन टर्म, और एक सम में आया है, एक जो है सम में आया है, यानी कि एन बार आया, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स, कितना बार, तो एन बार, कितना बार, तो एन बार हो गया, ठीक है, अब देखिए, अब आपका h की बात कीजिएगा, किसकी बात करना है, h वाले की टर्म की बात करना है, तो h वाला टर्म देखिए ध्यान से कि पहला से शुरू नहीं हो रहा है, पहला से शुरू नहीं हो रहा,
यदि पहला से शुरू नहीं हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एनवा पद, समझ गए? क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज कर जाइएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एनवा पद, ठीक है? वेरी गुड। फिर से सुनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, एनवा। चलिए, वेरी गुड। और आप जो स्टार्ट किए हैं इसको छोड़ दिए, छोड़, जब एगो छोड़ दिए हैं आप, तो एन में से एगो खत्म, एन में से एगो खत्म, तो एन माइनस वन बचेगा। ध्यान से, ध्यान रहे कि क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा। इसको छोड़ दिया, यहां से लिखिएगा एच स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या लिखे, तो एच स्क्वायर टू स्क्वायर एच स्क्वायर डॉट 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 एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर। और अब आप ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, समझ गए? ब्रैकेट को क्या कर दिया हम, तो हम कर दिए बंद। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक है यदि आप लोग यहां तक लिख चुके हैं तो, यदि आप लोग यहां तक लिख चुके हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, साधुवाद देना चाहेंगे आप लोगों को, साधुवाद देना चाहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा जाता है, इसीलिए अभी चैट पैट छोड़ दीजिए, देयर इज नो चैट, आपको मेरे साथ रहना है। ये मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि इसका यूज करूंगा, एच बराबर टू बाई एन है ना, इसको मैं यूज करूंगा, इसीलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं। अब देखिए, तो एक कितना बार आया, तो एक आया है एन बार। अच्छा, यदि एक दो बार आएगा तो आप कहिएगा दो गुना एक बराबर दो। एक यदि तीन बार होगा तो आप कहेगा तीन गुना एक बराबर तीन, नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं ना। एक दो बार आया है तो दो गुना एक बराबर दो, एन तीन बार आया है तो तीन गुना एक बराबर दो, और एन यदि एन बार आया है तो एन गुनी एक बराबर कितना हो जाएगा, एन, नहीं। फिर से सुनिए, क्या बोले, एन यदि दो बार है तो दो गुना एक बराबर दो हो गया, एन यदि तीन बार है तो तीन गुना एक बराबर तीन, एन यहां पर एन बार, एक यहां पर एन बार आया है तो एन गुना एक बराबर एन, यानी कि इस पूरे के जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एन। यदि हम कोई चीज लिख दिया ना बाबू, आपको भी यहां पर लिख लेना था, जैसे जो अभी हम मिटाए यहां पर, आपको इस चीज को लिख कर घेर देना, समझ गए? बोर्ड की हर एक बात को लिखिए, चाहे मास्टर लिख कर काट दे तो लिख कर काट दीजिए, और मास्टर यदि उल्लू का फोटो बनाए आपको उल्लू का भी फोटो बना लेना है। यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो, एच बाहर है, ये पूरा तो आपका एन हो गया, प्लस प्लस, अब यहां पर आइए एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर सब में है, आप बाजू में ले लीजिए, क्या कीजिएगा, तो बाजू में ले लीजिए, बाजू में ले लिया तो यहां पर क्या बच गया, वन, यहां पर टू स्क्वायर, समझ गए? ऑब्वियस बात है, इसके पहले आप, इसके बाद वाला थ्री स्क्वायर होगा तो आप इसको थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि मैं यहां पर नहीं लिखा हूं। ये आपका वन स्क्वायर हो गया, ये टू स्क्वायर हो गया, यहां पर जो कि मैं नहीं लिखा हूं तो थ्री स्क्वायर होगा, एगो टर्म ज्यादा मैं लिख देता हूं, देयर इज नो दिक्कत इन लिखिंग, समझ गए ना मेरा भाषा, कौन भाषा बोल रहा है, बहुत ही मजबूत है मेरा इंग्लिश, हाँ मेरा इंग्लिश सब लोग नहीं समझ पाता है, बहुत बढ़िया है, समझ गए, आप लोग जानते होंगे।
आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी सुने होंगे, प्रभाकर सर कितना इंग्लिश बढ़िया बोलते हैं। नहीं, यू आर लिखिंग, यू आर पढ़िंग, ये मेरा इंग्लिश है। एच स्क्वायर बाजू में तो आपका हो गया एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर बरकी ब्रैकेट को आप क्या कीजिए, तो बरकी ब्रैकेट को आप कर दीजिए बंद। ठीक है, यहाँ पर बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि h बराबर 2 बाय n है, मैं इधर कहीं पे लिख लेता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा। h बराबर 2 बाय n है और nh बराबर 2, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साइड में बाजू में लिख दिया। अब इसको मैं मिटाता हूँ, अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ बाबू। प्यारे बच्चों मेरा, सुना बेटा, राजा बेटा, ठीक है, चलिए आइए, तो आइए अब कहाँ आइएगा, तो अब आना है आपको मेरे पास। याद कीजिए मैं फॉर्मूला लिखा था कुछ, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस प्रकार से फॉर्मूला है जो कि क्लास 11 के एपी जीपी में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, समझ गए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। बताइए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इसी को हम लोग समेशन एन स्क्वायर भी बोलते हैं, यानी कि इसका एक दूसरा नाम बोल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो उतना भारी इंग्लिश मत सीखिए, बस यही चीज याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे 11 क्लास के जब एपी जीपी में पढ़े थे, इसके बाद स्पेशल सीरीज आया था, उस स्पेशल सीरीज में मैं आपको बताया था क्या होता है। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स हो जाता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। लेकिन ये तब होता है जब यहां पर n होता है, जब यहां पर क्या होता है, n, n पद रहता है, लेकिन यहां पर आपके पास n माइनस वन ही तो है, n माइनस वन है, यानी कि n के जगह पे आपको n माइनस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपका वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर लीजिएगा, तो एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए, बटे में सिक्स। आपको लिखते जाना है क्योंकि इस चीज को मैं फिर मिटा दूंगा, ये फॉर्मूला आपके सामने डेराइव कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दूंगा, आपको लिखते जाना है। कहने का मतलब है क्या हो गया, तो ये आपका हो गया n माइनस वन, यहां से एक एक कैंसिल, तो n, एक एक कैंसिल, तो n, दो गुना n, तो 2n हो गया, 2n, और दो गुना माइनस एक, तो माइनस दो, नहीं, दो गुना माइनस एक माइनस दो जोड़ एक, तो माइनस एक, और बटे में आपका हो गया सिक्स, समझ गए, बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया सिक्स। ठीक है, तो इसके जगह पर अब हम लोग इस चीज को लिखने वाले हैं, तो होप कि आप इसको उतार लिए होंगे, मैं बोल भी रहा था आपको ये फॉर्मूला है, आपको उतार लेना है, समझ गए, क्या करना है आपको, उतार लेना है। तो आइए अब मिटाकर हम लिखते हैं, मिटाकर आप मुझे लिखने दीजिए, तो देखिए तो कैसे लिखिएगा, पहले मैं इसको लिख दूंगा तब मिटाऊंगा। आपका हो गया इस प्रकार से, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एच एन प्लस एच स्क्वायर, और इस पूरे के जगह पर आपको लिखना है n माइनस वन इंटू एन टू एन माइनस वन बाय सिक्स, समझ गए,
बाय 6। बस ये वाला फॉर्मूला यहां पर हम लिख दिए और कोई भी एक्स्ट्रा काम ज्यादा काम नहीं किया। अब नीचे वाला मिटा देते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं। तो आइए मिटाने दीजिए नीचे वाला, नीचे वाला मिटाने दीजिए, क्या दिक्कत है? एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे आप लोगों को, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको इस चीज को समझना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए एन यहां पर भी है और एन वहां भी है, तो दोनों जगह से एन आप बाजू में ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? तो बाजू में, तो एस तो है ये है और आप एन निकाल लीजिए, तो निकल के कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब दिक्कत परेशानी नहीं है, यहां तो वन बच गया, ये एच स्क्वायर तो बचले हैं, यहां जो है आपका एन माइनस वन, ये एन भाई साहब तो चला गया और क्या बच गया? टू एन माइनस वन और बटे में आपका हो गया 6। समझ गए? बटे में 6। अब एक चीज देखिए, ये जो एन एच है इसका मान तो आप यहां से 2 लिख सकते हैं ना। नबाबू बेटा छोटो, एनएच की जगह क्या लिख दीजिएगा? 2। ये तो आप पहले ही लिख चुके हैं, बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 और आप लिख दिए 2। चलिए वेरी गुड, 2 लिख दिए। तो 1 प्लस एच स्क्वायर है, वेरी गुड, एच स्क्वायर है, वेरी गुड। यहां से आप एन को बाजू में ले लीजिए, एन को आप क्या कीजिए? बाजू में ले लीजिए। तो एन बाजू में लीजिएगा तो 1-1 बाय एन हो जाएगा, नहीं यहां से एन बाजू में लीजिएगा तो एन माइनस वन बाय एन हो गया। आप यहां से भी एन को बाजू में ले लीजिए तो 2-1 बाय एन हो जाएगा ना जी। यहां से भी n को बाजू में ले लीजिएगा तो 2-1 बाय n हो गया और बटे में 6 है तो बटे में आप 6 को लिख दीजिए। समझ गए? बटे में 6 था तो बटे में 6 को हम लिख दिए। आइए तो देखिए यहां तक क्या होता है, देखिए क्या होता है, बराबर लिमिट s टेंस टू 0 टू 1 प्लस एन गुना एन हो गया एन स्क्वायर, एन गुना एन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर है ये, तो आप दोनों को एक साथ लिख दीजिए, एन एच का हो गया होल स्क्वायर। समझ गए? दोनों को क्या किए, जैसे एन गुना एन एन स्क्वायर हो गया ना और एक एच स्क्वायर है तो एन एच का होल स्क्वायर लिख दिए। चलिए देयर इज नो दिक्कत। अब याद का क्या है? 1-1 बाय एन और आपका है यहां पर 2-1 बाय एन और बटे में 6 है तो बटे में आप 6 को लिख दीजिए। समझ गए? बटे में आप 6 को क्या कीजिए? तो लिख दीजिए। अब देखिए क्या कीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0 देर इज नो दिक्कत, 2-1 प्लस एन एच फिर आ गया, फिर एन एच आ गया तो एन एच का मान तो 2 है ना, एन एच का मान 2 है तो आप यहां पर 2 लिख दीजिए तो 2 का हो गया स्क्वायर, एन एच के जगह पे 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर। 1-1 बाय एन, 2-1 बाय एन बटे में 6, बटे में क्या हो गया? तो बटे में हो गया 6। चलिए ठीक है, अब इस भाई को मिटाते हैं, इस भाई को मिटाने दीजिए। ऑलमोस्ट अब क्वेश्चन आपका बनने वाला है, अब आपका दिक्कत परेशानी नहीं होगा, अब बन जाएगा, ठीक है अब बन जाएगा।
बस अब लास्ट ही है, टाइम लगता है मिटाने में। बरसात का मौसम है ना, सूख जाता है। बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, तन्हाई का आलम है। बरसात का मौसम है, तन्हाई का आलम है। और याद नहीं होगा, गाना याद रहता तो आपको गाकर सुनाते। गाना याद नहीं है इसलिए गाकर, बल्कि इसको भी मिटा देते, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ए बेटा सुना बेटा, एक कुछ दिक्कत हो गया, एक गड़बड़ हो गया। बोले कुमार साहब क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि लिमिट तो मेरा एच में है, लिमिट एच में है, लेकिन अंदर आपका एन है बेटा। लिमिट एच में है, अंदर एन में है, ना इंसाफी है, ये नहीं हो सकता। लिमिटवा है एच में, अंदर है एन में, ये गड़बड़ है। तो क्या कीजिएगा, सब मिटा दीजिए, गलत हो गया ना, या कुछ सुधार सकते हैं आप? बोलेगा सर क्या सुधारेंगे, तो शुरू में बोले था बेटा सुना बेटा, यहां पर लिमिट हम लोग कभी बदल सकते हैं। बोले थे ना, हम बोले थे बेटा हम लोग लिमिट कभी भी बदल सकते हैं। एस लिखना होगा तो एस टेंस टू जीरो लिखेंगे, और एन लिखना होगा तो एन टेंस टू इनफिनिटी लिखेंगे। याद कीजिए, मैं शुरू में आपको बताया था, एस लिखना होगा तो एस टेंस टू जीरो लिखेंगे, और एन लिखना होगा तो एन टेंस टू इनफिनिटी लिखेंगे। अब तो गलती नहीं हुआ, आप लोग तो बड़े खुश हुए, मास्टर फंसी के लिए अब यहां पर n टेंस टू लिख दीजिए इनफिनिटी, बराबर लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी, और उतार दीजिए 2 1 प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो 4, 1 माइनस 1 बाय n, 2 माइनस 1 बाय n, बटे में 6 हो गया, समझ गए, बटे में हो गया 6। जो कटता है उसको काट के बर्बाद कर दीजिए, जैसे 2 × 4 2 × 3 6, जो कटा उसको काट के बर्बाद कर दी, देयर इज नो दिक्कत इन बर्बाद। बराबर लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी 2 1 प्लस 2। अब ऐसा कीजिए बेटा, अब लिमिट की जरूरत ही नहीं है, अब लिमिट का तो वैल्यू रखना, अब लिमिट को हटा दीजिए, ठीक है, लिमिट को आप हटा दीजिए, 1 माइनस 1 बाय n, n के जगह पे आप क्या रखिएगा, लिमिट जब हटाए तो लिमिट का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, n के जगह पे इनफिनिटी रख दीजिए, 2 माइनस 1 बाय इनफिनिटी, बटे में आपका हो गया 3। लिमिट हटाए तो लिमिट का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, और 1 बाय इनफिनिटी होता है 0, 1 बाय इनफिनिटी क्या होता है 0, तो 1 प्लस 2, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 बाय 3, समझ गए, 1 बाय इनफिनिटी आपका क्या होता है, तो 1 बाय इनफिनिटी आपका होता है 0। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए बेटा क्या होगा, मेरा राजा बेटा देखिए, तो अब ऑलमोस्ट हम लोग बना चुके हैं, देखिए तो क्या होगा, तो बराबर 2 1 जोड़, तो 2 × 1 × 2 बटे आपका हो गया 3, बटे आपका 3।
चार बट्टे आपका हो गया ठीक है दो, और दो देखिए थोड़ा सा पानी लग गया है, दो यहाँ पे तीन एकम तीन और तीन और चार सात है जी, तीन एकम तीन, तीन और चार सात, यानी कि सात बटे तीन, सात बटे क्या हो गया तीन हो गया, क्या हो गया बाबू सात बटे तीन, तो सात गुनी चौदह यानी कि चौदह बटे तीन आपका हो गया आंसर, समझे आंसर क्या हो गया, तो आंसर आपका हो गया चौदह बटे तीन, क्या हो गया बाबू आंसर, आंसर आपका हो गया चौदह बटे तीन, यानी कि समझे, थोड़ा सा इधर लगता है कि बहुत साफ नहीं दिख रहा, मैं इसमें डबल राइटिंग चला देता हूँ, यदि साफ नहीं दिख रहा है तो वन प्लस फोर बाय थ्री, साफ नहीं दिख रहा था बाबू, मैं जो कैमरा में दिख गया है, मैं इधर डबल राइटिंग चला देता हूँ, यहाँ ये तो दिख रहा है बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप क्या किए थे, आप इस प्रकार किए थे ना जी, क्या किए थे, इंटीग्रेशन जीरो टू आपका कितना था जीरो टू टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन था, यही ना डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना, एक बार क्वेश्चन को देखने दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक यही था, तो इसका आप मान निकाल लिए चौदह बटे तीन, और यही आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर, इंटीग्रेशन जीरो टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर चौदह बटे तीन, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा इसको एक और मेथड से बनाइए तो देखिए तो कैसे बनता है, मान लीजिए डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और आजू बाजू में कुछ लिखा नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आई बराबर देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री और वन इंटू डी एक्स, तो डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और लिमिट आपका हो गया जीरो टू टू, लिमिट आपका हो गया जीरो टू टू। अच्छा डिफरेंट इंटीग्रेशन में अभी आप लोगों को कुछ खास तो नहीं बताए हैं, लेकिन एक सर है जो कि कुछ खास बताए हैं, एक सर है जो कि खास बताए हैं, आप बोलिएगा सर वो कौन सर है, नाम बताइए सर का, तो किसी स्पेशल सर का नाम तो नहीं बोलेंगे लेकिन सब्जेक्ट वाले सर का नाम बोलेंगे, वो है फिजिक्स वाले सर, फिजिक्स वाले सर हम लोगों से पहले आपको इंटीग्रेशन बता देते हैं काम भर, हम लोगों से पहले डिफिनिट इंटीग्रेशन बता देते हैं लेकिन काम भर उतना ही वो बताते हैं जितना से उनका काम चल जाए, नहीं ज्यादा नहीं बताते हैं, उतना ही बताते हैं जितना से उनका काम चल जाए, तो वो बताए होंगे आपको कि पहले अपर लिमिट रखिए फिर माइनस देकर लोअर लिमिट रखना है, बताए थे ना, और सर बताए तो याद आ रहा है, याद आ रहा है, आइए एक्स की जगह पे दो, तो दो पे पावर तीन बटे तीन जोड़ दो, एक्स की जगह पे दो रख दिया समझे, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट रख दीजिए एक्स की जगह पे जीरो, तो जीरो क्यूब बटे थ्री प्लस आपका जीरो, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर हम लोग रखते हैं लोअर लिमिट, तो आई बराबर कितना दो दुनी चार दुनी आठ, आठ बटे तीन जोड़ दो, ये तो खत्म हो गया, तो आई बराबर बल्कि यहीं पे लिख दीजिए तीन दुना छः, छः आठ चौदह, चौदह बटे तीन, कहने का मतलब है इंटीग्रेशन जीरो टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर चौदह बटे तीन आ गया, और मजे की बात ये है कि ई आंसर ई आंसर समान है, नहीं ई आंसर और ई आंसर समान,
तो बोलेगा मास्टर साहब आप एक बात बताइए कि हम मेरा जो ये आप 40 मिनट का समय खराब किए, इतना भारी भरकम मिटा मिटा कर बताए, क्या वो करना आपको जरूरी था? आप यही दो लाइन वाला इंट्रीगेशन नहीं बता देते, कहानी खत्म कर देते है जी? आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मास्टर साहब इतना बार लिख लिख कर मिटा मिटा कर बताए, आप यही वाला बता देते, तुरंत हो जाता। तो बच्चों एक चीज ध्यान आप दीजिएगा, वो ध्यान ये है कि यदि क्वेश्चन इंट्रीगेशन में लिखने के बाद, इंट्रीगेशन लिखने के बाद ई वाला लिख देना, इसको सॉल्व करना है एज द लिमिट ऑफ ए सम। यदि लिख दे कि आपको एज द लिमिट ऑफ ए सम से बनाना है, तो आपको भारी भरकम काम करना ही पड़ेगा, आपको भारी भरकम काम करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर उपाय। इंग्लिश समझे ना हम कैसे बोले, देयर इज नो अदर उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि आपका इंटीग्रल का बाद लिख दे कि इसको सॉल्व कीजिए एज द लिमिट ऑफ ए सम, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना है। और यदि कुछ नहीं लिखता है तो आपकी इच्छा आप इस मेथड से बना लीजिए, इस मेथड से तुरंत बन जाता है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हम जो बताए इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वेरी गुड, अब इसको मिटाते हैं प्यारे बच्चों, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको लिख लिया। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, इधर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो फटाफट नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 26, इवेलुएट इंट्रीगेशन 022 e पे पावर x dx is the limit of a sum, is the limit of a sum। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। बिल्कुल सॉल्व करेंगे, तरीका वही है। क्या तरीका है बनाने का? सॉल्यूशन, लेट एफएक्स बराबर, जिसका इंटीग्रल निकालना है आपको ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल निकालना है, ई पे पावर आपका हो गया एक्स, ए बराबर आपका लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट आपका है जीरो, बी बराबर अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट है आपका दो, और एक फॉर्मूला होता है एच बराबर बी माइनस ए बाय एन, यानी कि टू माइनस जीरो बाय एन, यानी कि टू बाय एन, कहने का मतलब एच बराबर टू बाय एन इंप्लाइज NH बराबर आपका हो गया 2, समझ गए? NH बराबर क्या हो गया? तो NH बराबर आपका हो गया 2। अब वही लिखिए, V no, क्या लिखना है? V no,
क्या जानते हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो s इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये फॉर्मूला आप जानते हैं और इसी फॉर्मूला को हम लिख चलिए ठीक है लिख दिए। तो वेरी गुड, अब देखिए तो बाबू क्या मिला। तो इंप्लाइज लिमिट एक जगह पर है आपके पास जीरो, ए के जगह पे जीरो रख दीजिए, बी बी के जगह पर आपके पास है टू, बी के जगह पे टू लिख दीजिए, और एफ एक्स fx के जगह पर आपके पास है e पे पावर x, fx के जगह पर e पे पावर x लिख दीजिए। लिमिट s टेंड्स टू जीरो, लिमिट s टेंड्स टू जीरो h, तो h लिख दीजिए, फिर क्या है f a, a के जगह पर जीरो, a के जगह पर जीरो, इसमें सिर्फ a के जगह पर जीरो रख दे प्लस एफ जीरो प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच, एफ जीरो प्लस वन माइनस एन इंटू एच। ठीक है, कहने का मतलब क्या मिला, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है इंटीग्रेशन 0 टू 2 e पे पावर x। अच्छा बाबू यहाँ पर dx आप नहीं लिखे, dx लिख दीजिए, dx बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 h, ये तो आपका रहा f 0 प्लस f 0 हटा दीजिए क्योंकि 0 जोड़ने से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f h प्लस f 2 h प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन माइनस वन इंटू एच, एन माइनस वन इंटू एच। चलिए वेरी गुड, कहने का मतलब है कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, अब जो है कि एफ के बाजू में जो है वो एज ए एक्स के जैसा ट्रीट कीजिएगा, एक्स के जैसा, x के जैसा, f के बाजू में जो भी है ना उसको आपको किसके जैसा ट्रीट करना है, तो x के जैसा। और यहाँ पर देखिए तो बाबू कि fx बराबर कितना है e पे पावर x है, नहीं fx बराबर क्या है, तो fx बराबर है e पे पावर x, यानी कि यदि इस भाई को लिखना चाहिएगा e पे पावर जीरो हो जाएगा, e पे पावर h हो जाएगा, e पे पावर 2h हो जाएगा, नहीं fx बराबर e पे पावर x है, और x के जगह पर मैं क्या क्या है आपको डिनोट करके बता दिया हूं, प्लस डॉट 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 e पे पावर n माइनस वन इंटू एच, समझ गए, यही आपका है किसके जगह पर, तो x के जगह। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर अब इसका काम अभी नहीं है, आप तो लिख ही रहे होंगे, आप बिल्कुल मेरे साथ लिख रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लिख रहे होंगे, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। अच्छा बेटा अब देखिए तो एक चीज बोलेगा, सर क्या
इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच ई पे पावर जीरो, तो किसी भी संख्या पे पावर जीरो दीजिएगा तो वैल्यू वन हो जाएगा ना, ये तो वन हो गया, प्लस ई पे पावर एच प्लस ई पे पावर एच ई पे पावर एच नहीं बल्कि ई पे पावर टू एच प्लस प्लस समझ गए डॉट 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 e पे पावर n माइनस वन इंटू एच नहीं e पे पावर n माइनस वन इंटू एच और यहां से लेकर यहां तक कितना पद है, यहां से यहां तक आपका है n पद, n टर्म्स नहीं कितना पद है प्यारे बच्चों, तो n पद है। अच्छा आप एक बात बताइए, आप कहेगा सर यहाँ पर n माइनस वन दिख रहा है तो n माइनस वन ही ना पद होगा, तो जो दिखता है होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है, यही बात है। आपको बस यही मालूम रखना है कि अंदर में पूरा n टर्म होता है, कितना टर्म होता है n टर्म, और एक भी टर्म हम काटे नहीं है, एक को टर्म हम नहीं काटे हैं, एक हु टर्म नहीं काटे हैं, तो जो दिखेगा उस पर मत जाइए, है कितना तो है n टर्म। चलिए वेरी गुड। अच्छा अब ये भाई साहब में फॉर्मूला लगेगा तो ये किसमें है, यहाँ पर अंदर वाला जो है ना मोटा मोटी आप मान कर चलिएगा एपी या जीपी में ही आता है, ये जो अंदर वाला है ना बेटा छोटू, ये अंदर वाला आपका मोटा मोटी मान के चलिए कि ज्यादातर केसेस में एपी और जीपी में ही रहता है, ज्यादातर केसेस में, तो ये बताइए कि एपी में है कि जीपी में, एपी में है कि जीपी में। देखिए बाबू पावर दिखेगा, पावर दिखेगा तो एपी में नहीं होगा, पावर दिखेगा तो एपी में नहीं होगा, यानी कि जीपी की संभावना बनती है, पावर दिखेगा तो एपी में नहीं होगा, जीपी की संभावना बनती है। ट्राई करते हैं जीपी में है कि नहीं है, जीपी में क्या कहता है, दूसरा पद बटे पहला पद बराबर ई पे पावर एच, चलिए वेरी गुड, तीसरा पद बटे दूसरा पद e पे पावर 2h बटे e पे पावर h, e तो बेस समान है ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा, तो 2x से h गया h यानी कि e पे पावर h, आज शाबाश हम लोग बाजी मार लिए, क्या बाजी मार लिए, e भाई साहब gp में है, ये सीरीज किसमें है, ये सीरीज है आपका जीपी में, नहीं जी जीपी में है, ये जो भाग देने से मिलता है ये आपका कहलाता है कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग आर लिखते हैं, क्या कहलाता है कॉमन रेशियो, और इसके लिए हम लोग आर लिखते हैं, और आर आपका हो गया ई पे पावर एच, आर आपका क्या हो गया, तो आर आपका हो गया ई पे पावर एच, चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक। ए बेटा इसका हम लोग यूज करेंगे ना, इधर कहीं लिख दीजिए, तो हमको तो यूज करना है ना, इधर कहीं लिख देते हैं, तो h बराबर 2 बाय n, nh बराबर 2, हम यहाँ पर लिख दिए कहीं, क्योंकि अब इसकी किसी भी चीज की जरूरत तो है नहीं, मिटाना ही पड़ेगा, देर इज नो उपाय, इसको मिटाते हैं, तो आइए आगे देखिए क्या है, इतना में शायद हो जाएगा, इतना में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर मिटाएंगे, क्या दिक्कत है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है,
जीपी के एन पदों का योग, नहीं जीपी के एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी बराबर ए आर पे पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर देन वन, या ए वन माइनस आर पे पावर एन वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन वन। ये फॉर्मूला होता है जिसको कि क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं, सिद्ध किए हैं। यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो प्रभाकर सर कोई चीज आकाश से ऐसे उठाकर आपके सामने नहीं रख देते, ऐसा कभी किए हैं कि गए आकाश से तोड़ के लाए एक चांद तारे और आपको दे दिए, ऐसा कभी नहीं किया। क्या करते हैं प्रभाकर सर? प्रभाकर सर सिद्ध करते हैं। प्रभाकर सर कैसे होता है ये चीज आपको बताते हैं, इसीलिए क्लास 11 में तो इसको सिद्ध किए। चलिए आइए, तो बेटा ये सब तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लिख लेना है। तो अब यहां से आइए, तो यहां से क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, अब ये पूरा आपका फॉर्मूला है। ए के जगह पर क्या है देखिएगा, तो बेटा एमटी ए के जगह पर पहला पद में ए, यहां पर ए के जगह पर क्या है बेटा, ए के जगह पर है वन। तो ए के जगह पर आप लिखिएगा वन, ठीक है, ए के जगह पे वन। और आपका ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ई का मान जो है दो और तीन के बीच में होता है, मैं आपको कई बार ऑफलाइन क्लास में बताया हूं, या फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर जरूर बताए होंगे, उनमें ई का ज्यादा यूज होता है। ई का मान दो और तीन के बीच में होता है, एक से ज्यादा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आर पे पावर एन, और आर आपका है ई पे पावर एच, तो ई पे पावर एच और इस पे पावर हो गया एन, नहीं आर पे पावर एन और आर आपका है ई पे पावर एच, ई पे पावर एच पे पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, यानी कि ई पे पावर एच माइनस आपका हो गया वन, ई पे पावर एच माइनस आपका हो गया वन। चलिए ठीक है, वेरी गुड, एस होगा बेटा, इसको आप क्या लिखिएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, ये पावर पावर गुना हो जाता है, एन एच हो गया माइनस वन बाय ई पे पावर एच माइनस वन। चलिए वेरी गुड, अब देखिए तो यहां पर पावर एन एच हो गया, और एन एच का मान आप पहले दो लिख चुके हैं, एनएस का मान आप क्या लिख चुके हैं, दो, एनएस के जगह पे दो लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, ठीक है, और ई पे पावर टू माइनस वन बाय ई पे पावर एच माइनस वन। चलिए वेरी गुड, यहां तक तो हम लोग लाए, लेकिन दिक्कत यह है कि सवाल अभी भी नहीं बना है। सवाल जो है एकदम हाथी के पेट के जैसा है, खिलाते जाइए लेकिन पेट नहीं भरेगा। हाथी 24 घंटे में कितना देर खाता है जी, किसी को मालूम है हाथी 24 घंटे में कितने घंटे खाते रहता है, कोई जानते हैं तो बताइए। हाथी 24 घंटे में 18 घंटे खाते ही रहता है, नहीं तो उसका पेटे नहीं भरेगा, बड़का पेट। उसी तरह से वो सवाल एकदम हाथी के पेटे के जैसा है, बनाते जा रहे हैं बढ़ते जा रहा है, बनाते जा रहे हैं बढ़ते जा रहा है। अच्छा देखिए बेटा क्या होगा, बराबर
लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच है तो एच लिख दीजिए, फिर ऊपर e पे पावर 2 माइनस 1 है, e पे पावर 2 माइनस 1 लिख दिए, और नीचे है e पे पावर h माइनस 1। नीचे क्या है e पे पावर h माइनस 1, क्या कीजिएगा? अब फिर आपको जाना पड़ेगा क्लास 11 में। कहां जाना पड़ेगा? क्लास 11 में। 11 में जाने के लिए आप क्या कीजिए, इस भाई को h से भाग दे दीजिए और h से गुना कर दीजिए। क्या किए? h से भाग दे दिए और h से गुना कर दिए। और एक क्लास 11 में पढ़े थे लिमिट x टेंस टू जीरो, e पे पावर x माइनस 1 बाय x। ये क्लास 11 में आप लोगों को लिमिट में बताए थे, या ऐसे भी कहिएगा कि जब 12 हम स्टार्ट किए थे, याद कीजिए कि शुरुआती दौर में हमको लगता है कि 6-7 दिन आप लोगों को सिर्फ लिमिट ही बताए थे, और 6-7 दिन डिफरेंशिएशन बताए थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। मोटा मोटी 15 दिन हम आपको बोले थे कि एकदम आपको सब कुछ बताएंगे। तो ये किसके बराबर होता है, अपना कॉपी उल्टा के देख लीजिएगा। जब आप 12 में एंट्री किए थे उस समय का कॉपी उल्टा के देखिएगा, जब कैलकुलस आपको कैलकुलस में जब एंट्री किए थे तब बोल रहे हैं, जब कैलकुलस में एंट्री किए थे आप उल्टा के देखिएगा, ये भाई साहब 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1। अच्छा बेटा एक चीज देखिए, ये दोनों भी तो कट के बर्बाद ना हो गया, तो कर के बर्बाद क्या समस्या है? तो क्या मिलेगा, आप लिमिट के वैल्यू रख दीजिए, ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरे भाई साहब के वैल्यू 1। क्या हो गया पूरे भाई साहब के वैल्यू 1, क्या हो गया बेटा 1। तो यानी कि आप क्या बोले, आप क्या आप हो गया देखिए तो बेटा, आप जो निकाल रहे थे दैट इज इंटीग्रेशन कितना था, 0 to 2 था ना शायद, e पे पावर x dx बराबर e पे पावर 2 माइनस 1, देखिए बेटा यही था ना, इसी को निकाल रहे थे ना, देखिए तो 0 टू क्या निकाल रहे थे बेटा, यही निकाल रहे थे हमको लग रहा है, कहां गया बेटा, हाँ 0 to 2 e पे पावर x बिल्कुल यही निकाल रहे थे, ये आपका e पे पावर 2 माइनस 1 के बराबर हो गया और ये आपका हो गया आंसर। समझिए क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा यदि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाइएगा तब कैसे बनेगा, यदि आप इस चीज को डायरेक्ट बनाइएगा, यदि कुछ ने लिखा हुआ है कि कैसे बनाना है तब कैसे बनेगा, तो आप इस प्रकार से बनाइएगा, i बराबर e पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e पे पावर x, तो i बराबर पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए, तो 2 है तो e पे पावर 2, और फिर लोअर लिमिट रखिएगा e पे पावर 0, यानी कि अब इसको हटा दीजिए, e पे पावर 2 माइनस e पे पावर हो गया 0, और i आप क्या क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू 2 e पे पावर x dx, e पे पावर 2 तो e पे पावर 2 ही हो गया, और e पे पावर 0, e पे पावर 0 तो 1 ना होगा माइनस 1, और यही आपका हो गया आंसर। यही क्या हो गया आंसर, आगे माए सर पे हाथ रख लिया बचवा सर, सर ये भारी मेथड से बनाना जरूरी है, यही मेथड हम नहीं अप्लाई करेंगे,
बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, हम तो कहेंगे कि सर बेटा आप यही मेथड अप्लाई कर लीजिए, लेकिन तब कीजिएगा जब e नहीं लिखा हुआ रहे, इज द लिमिट ऑफ ए सम। यदि ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप इसी मेथड का अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन यदि ये लिखा हुआ है तो आपको पूरा मेथड को फॉलो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर उपाय, यानी कि कोई दूसरा उपाय नहीं। यू आर बुझिंग, सब लोग बुझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बुझाता सबके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यदि कोई दिक्कत नहीं है बेटा तो एग्जाम्पल तो हम खत्म कर दिए, एग्जाम्पल खत्म कर दिए, एक्सरसाइज 7.8, एक्सरसाइज 7.8 है, और इस 7.8 में से प्यारे बेटा हम एक वो या दो वो सवाल बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। आप क्या कीजिएगा, आज घर में जानते हैं आपको क्या करना है कि जो ये दो सवाल बताए ना, इसको आप चार बार पांच बार बना लीजिएगा, दो तीन बार तो पहले देखकर बनाइएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आप जो बिना देखे कॉपी बंद करके बनाइएगा, दो तीन बार आप देखकर ही छापिएगा, और इसके बाद एक दो बार कोशिश कीजिएगा कि बिना देखे बन जाए, ठीक है? यानी कि आपको करना क्या है कि आपको जो हम ये जो दो क्वेश्चन बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं, आपको इसको चार बार पांच बार बनाना है, दो तीन बार देखकर छापिएगा और एक दो बार आप बिना देखे कोशिश कीजिएगा बना लेगा। जब बन जाए एग्जाम्पल तभी बेटा आपको एक्सरसाइज 7.8 बनाना है, इसमें 6 क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं बनाना है, हम पहले बता दिए। एग्जाम्पल पे जब आपको कमांड हो जाएगा तब एक्सरसाइज में घुसिएगा, नहीं तो आपको एक्सरसाइज में नहीं घुसना है। और एक्सरसाइज से कोशिश करेंगे कि कल भी दो सवाल बताएंगे और दो सवाल बनाकर एक्सरसाइज को द एंड भी कर देंगे, ठीक है? फिर आप ही को बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बताया एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, और यदि क्लियर हो गया तो ठीक है, ये लिख ही लिए होंगे आप, फिर भी मैं आपको देता हूँ एक मिनट का मौका, आप लिख लीजिए और मैं सेशन को समाप्त करता हूँ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। चलिए बेटा बंद करते हैं अब।